जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी। अगर आप भक्त भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर अपने परिवार के साथ में जुलाई अगस्त महीने में दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर एक दिन पहले ही एक भक्त के साथ में काफी बड़ा हादसा हो गया जिसमें भक्त की मृत्यु तक हो गई। आखिर जानेंगे क्या रही वजह जिस वजह से भक्त को अपनी जान गंवानी पड़ी। आप यात्रा पर जाते हैं तो इस समय यात्रा कितनी ज्यादा सुरक्षित है, क्या आपको यात्रा पर जाना चाहिए, साथ ही बात करेंगे मौसम कैसा है। आशा करता हूँ कि आप भक्त वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, साथ ही भक्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे, बाकी भक्तों को जागरूक भी बनाएंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, अगर आप भक्त भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर जुलाई अगस्त महीने में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आपको थोड़ा चौकन्ना होना होगा। ऐसा आखिर मैं क्यों कह रहा हूँ बता देता हूँ, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर पूरे जम्मू कश्मीर में देखा जाता है जुलाई अगस्त महीने में काफी ज्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से समय समय पर लैंडस्लाइड भी होता है। लैंडस्लाइड इस कदर होता है कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा में कई बार तो रुकावट आ जाती है, रास्ते को ही बंद करना पड़ता है श्राइन बोर्ड को। ऐसा अक्सर लगभग हर साल ही देखने को मिलता है, परंतु इस बार काफी बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक भक्त की तत्कालीन ही मृत्यु हो गई। दरअसल 3 जुलाई 2024 की लगभग दोपहर को एक श्रद्धालु जो कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर दर्शन करने के लिए आया हुआ था, जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, उसकी एक पत्थर लगने से मृत्यु हो गई। बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल श्रीवांशु त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति जो कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर दर्शन कर रहे थे, अपने परिवार के साथ में यात्रा कर रहे थे, उनकी तत्कालीन ही मृत्यु तब हो जाती है जब वो हिमकोटी मार्ग पर जिस पर बैटरी कार चलती है उससे गुजर रहे थे, उससे यात्रा कर रहे थे और तत्कालीन ही एक पत्थर आता है पहाड़ से खिसकता हुआ और उनको जाकर लग जाता है और उनको काफी ज्यादा चोट लग जाती है। उसके बाद तत्कालीन ही पाया जाता है कि यात्री बेहोश हो चुके हैं और जब ये गंभीर मामला सामने आता है तब तत्कालीन ही श्राइन बोर्ड हरकत में आता है, वहां पर उनके परिजन हरकत में आते हैं और उनको श्राइन बोर्ड की मदद से स्थानीय पुलिस की मदद से ले जाया जाता है अर्धकुंवारी की डिस्पेंसरी में, जहां पर डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से डिवोशनल पॉइंट आप सभी भक्तों को जागरूक करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आपको नहीं जाना चाहिए, परंतु आप जब भी यात्रा पर जाएं एक चीज का अवश्य ही ध्यान रखें, जहां पर साइन बोर्ड लगा होता है कि यहां पर पत्थर गिरने की आशंका है, ऐसे बोर्ड आपको जगह जगह यात्रा पर देखने के लिए मिलते हैं, कृपया करके वहां से जल्द निकलने का प्रयास करें। साथ ही साथ कोशिश करें ऐसी किसी भी जगह ना बैठें जहां पर पत्थर बहुत ही आराम से आपके पास आ सकते हैं और आपको चोट पहुंचा सकते हैं। ऐसा श्राइन बोर्ड भी जगह जगह लिखता है, परंतु कई बार श्रद्धालु भी इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि आशा करता हूं कि माता रानी मृतक श्रद्धालु की आत्मा को जरूर शांति प्रदान करेंगी और माता रानी की आशीर्वाद से आने वाले समय में इस तरीके की और समस्याएं हमें नहीं देखने के लिए मिलेगी। आपका इस पर क्या विचार है जरूर कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को बाकी भक्तों के साथ शेयर करें, बाकी भक्तों को भी जागरूक करें जो अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं। हालांकि आप श्रद्धालु को बता देना चाहता हूँ इस हादसे के बाद भी निरंतर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा चलती रही। आपको बता देना चाहता हूँ हिमकोटी मार्ग भी निरंतर चलता रहा, बैटरी कार की सेवाएं हो चाहे भक्तों का आना जाना हो। तो आप भक्तों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप यात्रा पर जाते हैं तो बिल्कुल चौकन्ना रहें, अपने परिवार को अपने साथ लेकर चलें और खास करके बच्चों का बड़े बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। बात कर लेते हैं अगर आप यात्रा पर जाते हैं क्या अभी भी कोई लैंडस्लाइड की संभावना बनी हुई है, क्या काफी ज्यादा बारिश हो रही है यात्रा पर, क्या यात्रा पर जाना इस समय सुरक्षित होगा, इस बारे में बात कर लेते हैं। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ अगर आप श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आ रहे हैं तो आने वाले 15-20 दिन महीना भर आपको काफी बारिश देखने के लिए मिलेगी। हालांकि बहुत बड़ा ये चिंता का विषय नहीं है, परंतु एक चीज का ध्यान रखना होगा कि भारी बारिश के चलते कई बार यात्रा मार्ग भी बंद हो जाता है, ऐसे में आप भक्तों को थोड़ी परेशानी या कठिनाई का सामना तो करना पड़ सकता है। हालांकि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर निरंतर श्राइन बोर्ड और सुरक्षा बल काम करते रहते हैं, अगर रास्ता बंद भी हो जाता है तो ऐसे में आप भक्तों को कहीं भी परेशानी ना आए इसके लिए श्राइन बोर्ड हमेशा तत्कालीन ही यात्रा पर बना रहता है। तो ऐसे में आप भक्तों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, यात्रा पर आप आराम से आ सकते हैं, पर आपको कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यात्रा को करना होगा, किसी भी ऐसी जगह जाने से बचना होगा जहां पर आपको पत्थर लग सकता है या फिर आपकी जान को खतरा हो सकता है। आशा करता हूं कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आप जब भी जाएंगे आप सुरक्षित होंगे, माता रानी आपकी यात्रा को सफल व संपूर्ण बनाएगी, सुखद बनाएगी। आप इस वीडियो को भक्तों के साथ शेयर करें, जागरूक करें बाकी भक्तों को। साथ ही अगर आप चाहते हैं यात्रा से जुड़ी अन्य जानकारी प्राप्त करना तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।